हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ मैं कैसे आज का हमारे वीडियो में। और कैसा मेरे पास है वन प्लस का फ़ोन, तो ऐसे मैं आपको बताऊँ कैसे अपने वन प्लस के फ़ोन में कैसे आप किस तरीके से कैसा नोटिफिकेशन साउंड को कैसे कैसे आप डिफॉल्ट कर सकते हैं। तो ऐसे वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो कैसे आपको यहाँ पर सबसे पहले अपने फ़ोन सेटिंग का आपको ओपन करना है, तो फोन सेटिंग का आप यहाँ ओपन हम कर देते हैं। फिर कैसे आपको एक काउंसलर ऑप्शन मिल जाता है, तो कैसे आपको इनमें से यहाँ पर साउंड एंड वाइब्रेशन का ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर कैसे आपको यहाँ से नीचे स्क्रॉल करना है और कैसे आपके सामने ऑप्शन आता है यहाँ पर नोटिफिकेशन साउंड, कैसे आपको उस पर सिलेक्ट कर लेना है। फिर कैसे आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलता है सिलेक्ट फ्रॉम फाइल्स, आपको यहाँ सेलेक्ट करना है और कैसे आपके जितने फ़ोन के डाउनलोड्स होंगे कैसे आपके सामने आ जाएंगे। तो कैसे आपको इनमें से कैसे किसी एक को सिलेक्ट करेंगे जो भी आपको पसंद हो। फिर कैसे आपको यहाँ से बैक कर देना और कैसे बैक करते हैं कैसे हमारा जो नोटिफिकेशन साउंड है गैस कुछ इस तरीके से हो जाता है डिफॉल्ट हमारे वन प्लस के फोन में। तो कैसे आज के वीडियो में इतना है, तो कैसे आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आएगा। तो कैसे ऐसी और वीडियो देखने के लिए आप सभी हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ना भूलें। तो कैसे आप सभी से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कैसे आप सभी को गुड बाय।